हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. ओके, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम ऑडिबल और नॉट. एम आई ऑडिबल? नमस्ते इंडियन वर्क. नमस्ते. हेलो जीनू, हाउ आर यू? चलो, तो इकोलॉजी का लास्ट फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं. इससे पहले इवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है. सो प्लीज शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स, शेयर द लिंक विथ योर क्लासमेट्स. ओके, सो जिनको भी आप लिंक शेयर करना चाहते हैं. आई एम नॉट ऑडिबल. I'm audible? Yes, okay. Okay, so जल्दी से सबसे पहले तो लेक्चर के लिंक को शेयर कर दो और कोई भी एक स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी ज्वाइन हो जाए मेरे साथ में. चलो, आई एम ओके, आई एम फाइन. अनुपम, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. स्तुति, जीनू, रिजू, अनुपम, सुचेता, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इकोलॉजी. इकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है. पहले कुछ इंट्रोडक्टरी टर्म्स देखेंगे, कुछ मतलब समझेंगे कि कौन कौन सी टर्म का मतलब क्या होता है, एंड देन हम इकोलॉजी प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, सो बेसिकली ये वाला सेशन जो आपका 10:30 से है, ये 10:30 to 11:30 आपका सेशन कंटिन्यू होगा. देन आपको 10 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा. आप 11:40 to फर्दर जो भी रहता है आज का, हम उसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये दोनों ही सेशन अभी यूट्यूब पर होने वाले हैं, तो आप इसको ज्वाइन करें. ठीक है, तो जितना जल्दी हम जितनी सारी क्लासेस लेंगे यूट्यूब पर, स्पेशल पर आप मेरे साथ में ज्वाइन होंगे, तो उतना ही जल्दी हम इकोलॉजी को कंप्लीट करके एक नई यूनिट को स्टार्ट कर सकते हैं. तो मेक श्योर कि आप मेरे साथ में स्पेशल पर प्रेजेंट हैं, आप मेरे साथ में यूट्यूब पर प्रेजेंट हैं. और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज़ गेट द सब्सक्रिप्शन, बिकॉज आपका अभी नेक्स्ट मंथ से, मार्च से एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम जून 2022 को टारगेट करने वाले हैं. ठीक है, तो 3 मंथ्स में अप्रॉक्सीमेटली आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा. नाउ जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज STR10 कोड डालकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं. जो स्टूडेंट जो कि जून को नहीं, दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, आप 6 मंथ्स, 12 मंथ एंड 24 मंथ्स का कोर्स ले सकते हैं. लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी टारगेट करने वाले हैं ये वाला जो जून का सेशन है उसको, तो आप अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 3 मंथ्स बचे हैं, तो 3 मंथ्स का तो कोर्स ले ही लीजिए, बिकॉज इट विल बी वर्थ इट एंड बेनिफिशियल फॉर यू. क्योंकि आपको एक स्टडी करने का डायरेक्शन, आपको एक प्रॉपर नोट्स, आपको पूरी तरीके से उस तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी जिस तरीके से एग्जामिनेशन में जिन जिन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वहां से. ठीक है, तो अगेन कोड क्या अप्लाई करना है, STR10. जो स्टूडेंट अभी तक मेरे साथ में ज्वाइन नहीं हुए हैं स्पेशल क्लास पर, तो आप प्लीज स्पेशल क्लास के लिए भी ज्वाइन हो जाइए. स्पेशल क्लासेस आर फ्री क्लासेस जो कि ऐप में होती है. ठीक है, तो अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इकोलॉजी के सारे लेक्चर्स आपके यूट्यूब पर नहीं होंगे. इकोलॉजी के जो लेक्चर्स होंगे आपके यूट्यूब प्लस स्पेशल पर होंगे. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप YouTube वाली क्लासेस भी अटेंड करें, आप स्पेशल वाली क्लासेस भी अटेंड करें. अगर आपने YouTube या स्पेशल दोनों में से कोई एक क्लास अटेंड मिस कर दी है, तो आपका आगे का कंसेप्ट जो है वो नहीं बन पाएगा, बिकॉज सारी क्लासेस YouTube और स्पेशल पर लिंक रहेगी. सपोज आज मैंने 2 क्लासेस YouTube पर शेड्यूल करी है, नाउ कल की जो क्लासेस होंगी वो आपकी एक क्लास स्पेशल पर होगी और एक क्लास आपकी YouTube पर होगी. तो इस तरीके से आपकी क्लासेस के सेशंस रहने वाले हैं. और ज़्यादा अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आप खुद सर्च कर लीजिए लाइफ साइंस बाय स्नेहा मैम, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा. वहाँ पर जितने भी क्लासेस के लिंक्स होते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, वो आपको वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं. चलिए, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. वेरी गुड मॉर्निंग शुभम, वेरी गुड मॉर्निंग दिव्या, वेरी गुड मॉर्निंग गुड़िया. चलो, सो बेसिकली इकोलॉजी के बारे में एक सिंपल सा, हम ज्यादा कुछ डिस्कस ना करते हुए अभी हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे. हम जो चीजें इकोलॉजी में आगे पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हमारे को वहां से
छोटी छोटी चीजों का, छोटी छोटी टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए. हमें मतलब पता होना चाहिए कि कम्युनिटी और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है. हमें कुछ टर्म्स आती हैं जैसे कि इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट आर दी बायोम्स, व्हाट आर दी बायोस्फियर. इन सभी छोटी छोटी डेफिनेशंस को, इन सभी को छोटा छोटा जो है मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो हम इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आगे जो आपको चीजें पता लगेगी जब हम बड़ी बड़ी टर्म्स का यूज करेंगे, तो वहां पर आपको छोटे, ये जो छोटे टर्म्स है वो अपने कंसेप्ट बिल्ड करने में काम आएंगे. चलो, यस, इट इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ इकोलॉजी. सो बेसिकली अगर बात किया जाए इकोलॉजी टर्म की, तो यहाँ पर आपको टू मार्कर क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इनको देख लीजिएगा. टर्म इकोलॉजी इट वॉज फर्स्ट गिवन बाय अर्नस्ट हैकल. अर्नस्ट हैकल ने ये टर्म दिया था इकोलॉजी. बेसिकली इकोलॉजी जो वर्ड है कंप्लीट ऑइकोस एंड लॉगस से बनी है, ठीक है. ऑइकोस एंड लॉगस, ऑइकोस का मतलब क्या होता है? ऑइकोस का मतलब होता है एनवायरमेंट, एंड लॉगोस का मतलब होता है टू स्टडी. यानी कि अगर आप एनवायरमेंट की स्टडी करोगे जिसके अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, दीज बोथ फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ स्टडी, ठीक है. नाउ हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी? फादर ऑफ इकोलॉजी जो है एलेक्सेंडर वॉन हम्बोल्ट को बोला जाता है, ठीक है. नाउ फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, क्योंकि ये हमारे इंडिया से ही है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं. जैसे कि आप कोई सीएसआर के अलावा दूसरे एग्जामिनेशन देते हो, जो कि आरपीएससी, जीपीएससी वगैरह ऐसे एग्जामिनेशन अगर आप देते हो, सेट एग्जामिनेशन वगैरह देते हो, तो वहाँ पर आपको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी पूछा जा सकता है. सो याद रखिए, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो हैं इनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हम बोल रहे हैं, ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्म इकोलॉजी वॉज एम्प्लॉयड फॉर द स्टडी ऑफ प्लांट. सबसे पहले प्लांट के केस में इकोलॉजी टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था. पहले प्लांट को ही इकोलॉजी की स्टडी में रखा जाता था. देन धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोलॉजी के अंदर हम, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को काउंट करते हैं, देन आप बोल सकते हो कि दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर इंक्लूड किया था. तो प्लांट के रेफरेंस में इकोलॉजी जो टर्म है वो वार्मिंग ने दिया था. वेरी गुड मॉर्निंग सुमित, वेरी गुड मॉर्निंग काव्यांजलि, ठीक है. सो ये कुछ छोटे छोटे से आपके पास में नेम्स हैं. आपको हैकल का नेम याद रखना है, आपको बेसिकली चारों ही नेम्स याद रखने हैं. इन तीनों का तो डेफिनेटली याद रखना है, वार्मिंग को भी याद रख लो कि प्लांट के रेफरेंस में सबसे पहले ये वर्ड किसने यूज किया था. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी? इकोलॉजी ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इकोलॉजी इस टर्म का मतलब होता है बेसिकली स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ इट्स एनवायरमेंट. इट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी. यानी कि बेसिकली कोई एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज ह्यूमंस है. अब ह्यूमन का इंट्रैक्शन उसके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ कैसा रहता है, उसको हम इकोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे. नाउ ह्यूमन के आसपास में किस तरह के आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिज्म है, या किस तरह के एबायोटिक फैक्टर है. ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस जो है आपस में ह्यूमन से इंटरेक्ट करेंगे, ह्यूमंस अदर एनिमल्स से भी इंटरेक्ट करते हैं. ह्यूमन आसपास में जो एबायोटिक फैक्टर है, लाइक टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, लाइट हो गया, उनके साथ भी ह्यूमंस का कुछ इंटरेक्शन होगा. या प्लांट्स के केस में बात कर लेते हैं, प्लांट्स जो है आप बोल सकते हो कि इनका दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ इंटरेक्शन होगा, और साथ ही साथ में इनका, इनके एबायोटिक फैक्टर जैसे कि सॉइल हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, इनके साथ भी कुछ इंटरेक्शन होगा. सो बेसिकली इकोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? इकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म का उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के साथ में इंटरेक्शन होता है. यानी कि ऑर्गेनिज्म, इसकी स्टडी करनी है विद द रेफरेंस टू बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर. नाउ बायोटिक फैक्टर में क्या इंक्लूड करेंगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बायोटिक फैक्टर में आप इंक्लूड कर लोगे. वेर एज एबायोटिक फैक्टर में क्या इंक्लूड करोगे? एबायोटिक फैक्टर में जितने भी नॉन लिविंग आप बोल सकते हो फैक्टर्स हो गए, जैसे कि लाइट हो गया, और क्या हो सकता है, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, इसके अलावा, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, इसके अलावा और क्या हो सकता है बताओ? एबायोटिक फैक्टर, टोपोग्राफी, ये किसी ने सुना है? सॉइल को, बेसिकली सॉइल जो है इसके रेफरेंस में हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एडिफिक फैक्टर, ओके. ह्यूमिडिटी, यस, मॉइस्चर. सो
यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म का दोनों ही फैक्टर्स के रेफरेंस में स्टडी करेंगे. सो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट में कौन कौन आ जाएगा? जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है. ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड और म्यूचुअली रिएक्टिव, यानी कि एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं. एक दूसरे पर आप बोल सकते हो कि इंटर रिलेट होते हैं. अगर हम हमारे प्लांट्स के साथ में रिएक्ट ना करें या प्लांट्स हमारे प्लांट से हमें फूड ना मिले, सो बेसिकली हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इसी तरीके से अगर प्लांट, कोई प्लांट है जिसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, अब धीरे धीरे क्या होगा, उसी उसी तरह के प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे. सो ये भी जरूरी है कि प्लांट की पॉपुलेशन भी एक कंट्रोल में रहे, तो उनके लिए हर्बीवोरस होने जरूरी है. यानी कि हर एक आप बोल सकते हो कि हर एक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट और उसके बायोटिक फैक्टर के साथ में, यानी एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के साथ में इंटर रिलेशन होना, किसी भी तरह का रिलेशन है, इंटर रिलेशन होना जरूरी है. सो इकोलॉजी इट इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म लाइक बायोटिक एंड बिटवीन द अदर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक एबायोटिक फैक्टर्स. यस, मिनरल्स, विंड्स, एसिडिटी, टॉक्सिसिटी, यस, ये सभी इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सरिता ने कल अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है, दैट्स गुड. सरिता, आप ज्वाइन हो सकते हो मार्च में जो हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर, ठीक है. तो आप जून 2022 को अगर टारगेट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उस बैच में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपके जितने भी यूनिट्स हैं वो एक सीक्वेंस वाइज एक पर्टिकुलर मैनर में कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है. बेसिकली मार्च में आपकी 3 यूनिट्स हमारी साइड से कंप्लीट करा दी जाएगी, देन नेक्स्ट मंथ में अगेन 3 यूनिट्स, 3 to 4, एंड नेक्स्ट मंथ में अगेन 3 to 4 यूनिट्स, ऐसा कुछ टारगेट रखा है, ठीक है. चलो, बाकी की यूनिट्स जैसे कि इकोलॉजी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, इवोल्यूशन हो चुकी है, तो आप वो सारी यूनिट्स, रिमेनिंग जो यूनिट्स बचती है उनको यहाँ पर भी कवर कर सकते हो. चलो, कौन सा चैप्टर चल रहा है? इकोलॉजी चल रहा है भाई. चलो, वेरी गुड मॉर्निंग सेजल अब्दुल्ला, वेरी गुड मॉर्निंग. चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ये तो बात हो गई जनरल इकोलॉजी के बारे में, कि इकोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है. नाउ इकोलॉजी जो ये हमारी बेसिकली जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसको हमने टू टाइप से, टू डिफरेंट लेवल्स पर कैटेगराइज किया है, ब्रांचेस में कैटेगराइज किया है. क्या क्या ब्रांचेस हैं? फर्स्ट इज ऑर्टिकोलॉजी या यूटिकोलॉजी भी बोल सकते हैं. कुछ लोग इसको ऑर्टिकोलॉजी बोलते हैं, कुछ यूटिकोलॉजी बोलते हैं. यूटिकोलॉजी इज मोर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू मी. सो यूटिकोलॉजी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर हम किसी एक सिंगल स्पीशीज का इंटरेक्शन देखेंगे उसके इन्वायरमेंट के साथ में. यानी कि जब हम किसी एक पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, सिंगल स्पीशीज यानी कि एक एरिया जिसके अंदर कुछ स्पीशीज रह रही है, जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जैसे कि कोई एरिया था जिसमें कि काफी सारे ह्यूमंस रह रहे थे. ना ह्यूमंस का उनके बायोटिक और उनके एबायोटिक फैक्टर के साथ में जब आप स्टडी करोगे, एक सिंगल स्पीशीज को लेकर स्टडी कर रहे हो, तो इस तरह की स्टडी को, इस तरह की इकोलॉजी की ब्रांच को हम बोलेंगे यूटिकोलॉजी, ठीक है, जब सिंगल स्पीशीज को आप ले रहे हो. लेकिन टोपोग्राफी को अभी इसको डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. सारे बायोटिक और सारे एबायोटिक फैक्टर को डिटेल में लेकर स्टडी करेंगे, ठीक है. चलो, नाउ यूटिकोलॉजी के बाद द सेकेंड ब्रांच इज सिन इकोलॉजी. सिन का मतलब होता है मोर देन वन. सो बेसिकली सिन इकोलॉजी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स का, डिफरेंट स्पीशीज के ग्रुप का स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि मोर देन वन स्पीशीज का आपस में इंट्रैक्शन, उनके बायोटिक फैक्टर के साथ में इंट्रैक्शन, उनके एबायोटिक फैक्टर के साथ में इंट्रैक्शन. जब हम इतने सबको एक साथ में स्टडी करते हैं तो इसको बोला जाता है सिन इकोलॉजी. सपोज वी हैव अ एरिया जहां पर कुछ ह्यूमंस रह रहे थे, नाउ ह्यूमन के अलावा कुछ अदर स्पीशीज भी प्रेजेंट है. सपोज यहाँ पर कोई कैटल स्पीशीज, काउ वगैरह प्रेजेंट है, या फिर कोई डॉग वगैरह प्रेजेंट है. मोर देन वन स्पीशीज जो है हम उनकी एक साथ में स्टडी कर रहे हैं. सो इस तरह का जो इकोलॉजी की ब्रांच होती है इसको बोला जाता है सिन इकोलॉजी, ठीक है. चलो, तो ये दो छोटी छोटी टर्म्स थी, और यूटिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी क्या होता है. देन आगे बढ़ते हैं. अब हम इकोलॉजिकल हेरार्की का मतलब समझने वाले हैं. हेरार्की का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा टेक्सोनॉमिकल हेरार्की, वैसे ही एक टर्म आया है इकोलॉजिकल हेरार्की. कैन यू प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ हेरार्की वर्ड, क्या
किसी को हायरार्की वर्ड पता है? टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ, लेकिन आप जब मैं आपको सारी चीजें एक साथ में बता रही हूँ, तो आप लोग भी अपना कॉपी पेन लेकर बैठिए और अपने आप से नोट्स बनाइए। जिस तरीके से ऐसा इमेजिन करिए कि आपकी क्लास ही चल रही है, आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, और उसी तरीके से आप अपने नोट्स को साथ साथ में बनाइए, ताकि आप जो लिखेंगे आपको वो और बेटर तरीके से याद रहेगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए, और खुद से ही सारा जो जो भी कुछ काम है वो अपने नोट से ही पढ़ना चाहिए, जो भी आपको फर्दर आगे पढ़ना चाहिए। ठीक है। रैंकिंग सिस्टम अरेंजमेंट, वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग विनय, हेलो। सो बेसिकली क्या हो गया, हायरार्की का मतलब होता है अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है, या सिंपली यू कैन से अरेंजमेंट। ठीक है ना, हायरार्की के अंदर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अरेंजमेंट जो है हम स्मॉलर से बिगर की साइड में कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अरेंजमेंट हमेशा स्मॉलर से बिगर हो। इसकी जगह और क्या बोल सकते हैं, बेसिकली अरेंजमेंट बिगर से स्मॉलर की साइड भी हो सकता है, यानी कि अरेंजमेंट किसी भी तरह का करो, लेकिन वो आप बोल सकते हो कि एक सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। या तो आप सबसे बड़ी कैटेगरी को सबसे पहले ले लो, या फिर आप सबसे छोटी कैटेगरी को ले लो, और उससे बाद में आप क्या करो, बड़ी से छोटा, देन और छोटा, देन छोटा, देन सबसे छोटा, इस तरह का अरेंजमेंट कर लो। या फिर आप क्या करो, सबसे छोटा पहले ले लो और फिर बड़े की साइड में जाते जाओ। सो बेसिकली हायरार्की का मतलब क्या होता है, या तो सबसे बड़ी कैटेगरी पहले ले लो या सबसे छोटी कैटेगरी पहले ले लो, लेकिन इनका अरेंजमेंट सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। बीच में ऐसा नहीं आना चाहिए कि आपने सबसे पहले बड़ा कोई कैटेगरी ले ली, उसके बाद में रैंडमली सबसे छोटी कैटेगरी आ गई, देन आपने कोई और कैटेगरी ले ली। यस, इकोलॉजी कंप्लीट होगी। यूट्यूब और स्पेशल पर, जैसा कि मैंने बोला, आपको यूट्यूब के साथ साथ में स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन करनी है। सो बेसिकली कंप्लीटली एक अरेंजमेंट होने वाला है। नाउ जिस तरीके से टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी होती है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि सबसे बड़ा एक किंगडम होता है, सबसे छोटी एक स्पीशीज होती है, देन आपके पास में आ जाता है फाइलम, देन आपके पास में आ जाता है क्लास, देन आपके पास में आ जाता है ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। सो दिस इज द इकोलॉजिकल कैटेगरी। सो नाउ व्हाट, दिस इज द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। नाउ व्हाट इज इकोलॉजिकल कैटेगरी? इकोलॉजिकल कैटेगरी स्टार्ट होती है एक ऑर्गेनिज्म के साथ में। ठीक है, जब हम बोलते हैं इकोलॉजी, तो यहां पर आ जाता है आपके पास में बायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, दोनों ही फैक्टर आ जाते हैं, यानी कि जो भी टेक्सोनॉमिकल इकोलॉजिकल कैटेगरी हम बनाने वाले हैं, उसमें हमारे पास में बायोटिक फैक्टर को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ए बायोटिक फैक्टर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर बोला जाए, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की सिस्टम, सो सिंपली यू कैन से कि एक इकोलॉजिकल हायरार्की सिस्टम की सबसे जो छोटी कैटेगरी होती है वो होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है। नाउ क्या होता है, बेसिकली अगर आपको ऑप्शन में ऑर्गेनिज्म ना दे रखा हो, तो वहां पर पॉपुलेशन दे रखा होगा या स्पीशीज दे रखा होगा। सो बेसिकली जब आपको ऑर्गेनिज्म ना दिया हो, तो या तो स्पीशीज को टिक करना है या पॉपुलेशन को टिक करना है, राइट? चलो, सो बेसिकली ऑर्गेनिज्म और अ इंडिविजुअल, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की सिस्टम। यानी कि अगर हम इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करें, तो जब सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले पढ़ते हैं कि किस तरीके का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या वो प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या वो यूकैरियोटिक सेल है, अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है तो वो किस टाइप का बैक्टीरिया है, क्या वो साइनो बैक्टीरिया है, क्या वो आर्की बैक्टीरिया है, क्या वो यू बैक्टीरिया है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में ऑर्गेनिज्म। ना ऑर्गेनिज्म में जब हम पढ़ते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक हैं, अब उनके अंदर देखेंगे यूकैरियोट में भी किस तरह के हैं, सिंगल सेलुलर यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है। सिंगल सेलुलर यूकैरियोट है तो वी कैन से कि वो प्रोटिस्टा है। मल्टी सेलुलर में कौन कौन आ जाते हैं, फंजाई आ जाता है, एनिमल्स आ जाता है, एंड प्लांट आ जाता है। सो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट स्टडी जब हम करेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये इकोलॉजी के सबसे छोटे हायरार्की की सबसे छोटे, आपने बोला एक स्टेप की आपने स्टडी करी। देन इकोलॉजिकल सिस्टम में जब हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे, तो एक एरिया था सबसे पहले, सपोज इट इज अ एरिया, यहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल प्रेजेंट है। नाउ इस इंडिविजुअल ने क्या किया, ग्रो करना स्टार्ट किया, ये इंडिविजुअल ने ग्रोथ करना स्टार्ट किया। नाउ
अल्टीमेटली जब ये थोड़ा ग्रो करने लगेंगे तो किसी एक बड़े एरिया में चले जाएंगे, और बड़े एरिया में जाकर अब जब एक सिंगल स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक साथ में ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर और कोई स्पीशीज नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर एक सिंगल स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो इस तरह के एरिया को या इस तरह की इकोलॉजिकल, आप बोल सकते हो इसे एक इकोलॉजिकल हायरार्की का दूसरा स्टेप यानी पॉपुलेशन कहा जा सकता है। ठीक है, नौ पॉपुलेशन को ही कभी कभार स्पीशीज भी बोल दिया जाता है, क्योंकि वहां पर सिंगल स्पीशीज के मेंबर होते हैं, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है, तो इसीलिए कभी कभार पॉपुलेशन के रेफरेंस में क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन की जगह स्पीशीज बोल दिया जाएगा। सो आपको ऐसा बोल दिया जाएगा, लाइक क्वेश्चन दे दिया गया, इन एन एरिया, एक एरिया में कुछ स्पीशीज के मेंबर प्रेजेंट है या एक स्पीशीज प्रेजेंट है, इसका मतलब एक इंडिविजुअल को काउंट नहीं करना है, इसका मतलब आपको ये सोचना है कि एक स्पीशीज के मेंबर प्रेजेंट है, एक स्पीशीज प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर कुछ मेंबर्स की यानी छोटी पॉपुलेशन की बात हो रही होगी, तो कभी कभार वहां पर आपको पॉपुलेशन की जगह स्पीशीज दिया जा सकता है। सो ऑर्गेनिज्म ग्रो किया, ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करना जब स्टार्ट किया तो हमने बोला उसको एक पॉपुलेशन बन गई। नाउ क्या हुआ, अब इस पॉपुलेशन में जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे यहाँ पर रिसोर्सेज भी बढ़ते जा रहे हैं, तो अब सपोज ये मान के चलो कि ये कोई एक प्लांट स्पीशीज थी जो कि ग्रो कर रही थी, जिसको अब तक हमने पॉपुलेशन बोला। अब जहां पर प्लांट होंगे वहां पर कुछ हर्बीवोरस भी आ जाएंगे, सो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ हर्बीवोरस आ गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यू कैन सी कि यहाँ पर मोर देन वन टाइप ऑफ स्पीशीज, एक स्पीशीज के अलावा कई सारी स्पीशीज के मेंबर ग्रो कर रहे हैं, राइट? हो सकता है दो स्पीशीज के मेंबर हो सकता है तीन स्पीशीज के मेंबर हो सकता है 10 स्पीशीज के मेंबर हो। सो अब इस एरिया को आप पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कम्युनिटी, इसको आप बोलेंगे कम्युनिटी, यानी कि ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल तक। क्या अभी तक हमने किसी एबायोटिक फैक्टर की बात करी है? ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल, क्या अभी तक कोई एबायोटिक फैक्टर आया है जिसका हमने डिस्कशन किया है? सबसे पहले एक इंडिविजुअल आया, इंडिविजुअल ने पॉपुलेशन बना ली और अल्टीमेटली एक कम्युनिटी आ गई। ठीक है, नाउ अब तक हमने क्योंकि कोई भी एबायोटिक फैक्टर की बात नहीं करी, लेकिन अब जैसे ही हम इकोलॉजी के नेक्स्ट हायरार्की लेवल पर जाते हैं वो आ जाता है इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम के अंदर क्या होगा, अब इकोसिस्टम के अंदर फर्स्ट टाइम हम एबायोटिक फैक्टर को भी इंक्लूड करेंगे, राइट? यानी कि इकोसिस्टम में क्या क्या आप कंसिडर करोगे, इकोसिस्टम में आप कंसिडर करोगे कि सपोज ये कोई एरिया है जहां से रिवर यानी वाटर रिसोर्सेज, यानी कि आपका एबायोटिक फैक्टर प्रेजेंट है, कोई वाटर रिसोर्स आ गया आपका, हो सकता है यहाँ कुछ माउंटेन्स भी प्रेजेंट हो सकता है यहाँ कोई माउंटेन प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पर ये जो नीचे एरिया जो प्रेजेंट है, अब इसमें हम सॉइल को भी काउंट करने लगेंगे, सो यहाँ पर सॉइल भी प्रेजेंट है। देन हम बोलेंगे यहाँ कुछ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, यहाँ पर कुछ ह्यूमंस रह रहे हैं, यहाँ पर कुछ एनिमल्स रह रहे हैं, सो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म आ गए। सो बेसिकली व्हाट इज अ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इट इज एन एरिया जहां पर हम एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, अब इन दोनों को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो इकोसिस्टम हमारे पास में आ गया। नाउ ये तो सिर्फ एक इकोसिस्टम है, सिर्फ एक एरिया है। नाउ अब देखो, जब भी इकोसिस्टम का कलेक्शन हो जाएगा, एक एरिया में जब बहुत सारे इकोसिस्टम आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ गया, यहाँ पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम आ गया, यहाँ पर वाटर इकोसिस्टम आ गया, तो अब एक से ज्यादा इकोसिस्टम जिस एरिया में प्रेजेंट होंगे उसको आप बोलोगे बायोम। एंड बायोम के बाद अल्टीमेटली आता है बायोस्फियर। नाउ व्हाट डज बायोस्फियर मींस, बायोस्फियर का मतलब होता है कि वो सभी जगह पूरी अर्थ पर या वहां जहां पर भी लाइफ कहीं भी अगर पॉसिबल है, जहां पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर रह सकता है, तो उसे हम बायोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग सुमिता। तो ये कुछ इकोलॉजिकल हेरार्की होती है। नाउ इकोलॉजिकल हेरार्की में याद रखने वाली चीज, सबसे छोटा होता है एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नहीं दे रखा हो तो पॉपुलेशन और स्पीशीज बोल दोगे। देन आप बोलोगे इकोसिस्टम में आकर सबसे पहली बार इकोलॉजिकल हायरार्की में हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों को ही पढ़ते हैं। देन इकोलॉजिकल हायरार्की का सबसे बड़ा जो कैटेगरी होती है दैट इज बायोस्फीयर, दिस इज द बिगेस्ट कैटेगरी ऑफ
बिगेस्ट और लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ इकोलॉजिकल हेरार्की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोलॉजिकल हेरार्कीज. सो बेसिकली ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म, दीज आर द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हेरार्की. और वी कैन से कि एक बेसिक यूनिट होती है. जिस तरीके से कोई भी एक आप बोल सकते हो बिल्डिंग है, अब उस बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी बेसिक यूनिट जो हो गई, उसके अंदर लगने वाले ईट हो गई, उसके अंदर लगने वाले स्टोन्स हो गए, तो ये सब क्या कर रहे हैं, एक बिल्डिंग को बना रहे हैं. सो इसी तरीके से अगर हम इकोलॉजी को स्टडी करना चाहें तो विदाउट एन ऑर्गेनिज्म हम इकोलॉजी को स्टडी नहीं कर सकते हैं. सो इट इज द बेसिक यूनिट और इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी. नाउ इट मे बी स्मॉल और लार्ज इंडिविजुअल, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है. ठीक है. नाउ इनका लाइफ स्पैन जो होता है फिक्स होता है, इनका कोई पर्टिकुलर बर्थ टाइम होगा, इसका पर्टिकुलर फिर डेथ टाइम होगा, और कंप्लीट एक लाइफ स्पैन अगर आ जाता है तो हम बोलेंगे इनका एक कंप्लीट लाइफ स्पैन होगा या फिर इनके पास में ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा. नाउ ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये पॉइंट्स आपको डायरेक्टली ऐसे मान के चलिए कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कभी कभार पूछे जा सकते हैं कि पर्टिकुलर इकोलॉजिकल सिस्टम का जो सबसे पहला बेसिक यूनिट है उनका लाइफ स्पैन फिक्स होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, वो कोई भी मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर हो सकते हैं, तो ये पॉइंट्स एक बार देख लेना. ठीक है. वैसे तो हमें सभी को पता है कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. देन इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल इट इज इसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी. इस बात का मतलब समझिए, ये टर्म इंपॉर्टेंट है. आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी ये वर्ड आप कौन सी इकोलॉजिकल हेरार्कियल कैटेगरी के लिए यूज करोगे. ठीक है. नाउ अब इसको समझना, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब क्या होता है. बेसिकली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी इट मींस एक इंडिविजुअल की स्टडी. अगर हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहते हैं, एक इंडिविजुअल को स्टडी करना चाहते हैं, तो हम उसके अंदर क्या स्टडी करेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे, देन हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी को स्टडी करेंगे, एंड एनाटॉमी के साथ साथ में हम बोलते हैं कि बेसिकली उनका सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उसकी फिजियोलॉजी किस तरीके की है, उसके अंदर किस टाइप के एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, उसके अंदर किस टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. सो इन सभी को हम स्टडी करेंगे, हार्ट किस टाइप का है. सो बेसिकली और ये सारी जो फिजियोलॉजिकल स्टडी होती है वो भी किसके बेसिस पर होगी, जिस टाइप के जीन्स होंगे, जिस टाइप का उसका आप बोल सकते हो कि ओरिजिन होगा, उसी टाइप की उसकी फिजियोलॉजी होगी. सो एक ऑर्गेनिज्म को ही हम बोल सकते हैं कि हम फिजियोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, यानी कि इकोलॉजी का फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का पार्ट कौन हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म. ठीक है. बिकॉज ऑर्गेनिज्म लेवल पर ही हम फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं. चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर कैटेगरी, दैट इज पॉपुलेशन और स्पीशीज. ठीक है. ना कभी कभी देखो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा. आपको इकोलॉजिकल हेरार्की में कुछ इस तरीके से हेरार्की दी जा सकती है, जैसे कि सबसे पहले आपको दे दिया गया एक इंडिविजुअल. ठीक है. एक इंडिविजुअल आ गया. इंडिविजुअल के बाद आपको इकोलॉजिकल हेरार्की में कभी कभी स्पीशीज लिखकर पॉपुलेशन लिखा जा सकता है, कि इंडिविजुअल से एक स्पीशीज बनी और स्पीशीज ने आगे चलकर पॉपुलेशन बना दी, ऐसा भी लिखा जा सकता है. कभी कभार आपको इंडिविजुअल से डायरेक्ट स्पीशीज लिखा जा सकता है और स्पीशीज के बाद डायरेक्ट कम्युनिटी लिखा जा सकता है. यानी कि कभी कभार क्या होता है कि इंडिविजुअल को ही स्पीशीज के अंदर कंसिडर किया जा सकता है. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसकी लैंग्वेज को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना. ठीक है. नाउ वॉट इज अ स्पीशीज, वॉट इज अ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मीन्स एन एरिया जहां पर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज. नाउ दिस टर्म इज इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एरिया में सेम स्पीशीज के मेंबर ही रहने वाले हैं और इसे हम एक पॉपुलेशन कंसिडर कर सकते हैं. सो दिस इज अ पॉपुलेशन. ठीक है. एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन बोला जा सकता है विच इज लिविंग इन अ ज्योग्राफिकल एरिया. चलो नाउ वॉट इज मीन ऑफ अ कम्युनिटी. तो अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक एरिया है जिसके अंदर मोर देन वन स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं. यहाँ पर क्या रह रहे हैं, मोर देन अ स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट. सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कुछ एक स्पीशीज प्रेजेंट है और उसके साथ में दूसरी स्पीशीज के मेंबर भी प्रेजेंट है. नाउ
ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही स्पीशीज के मेंबर हो, मल्टीपल स्पीशीज के मेंबर भी हो सकते हैं. सो बेसिकली कम्युनिटी इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दैट आर लिव इन अ कॉमन एरिया विच आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, जो कि आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. नाउ इट इज अ नेचुरल एग्रीगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब्स एट द सेम एनवायरमेंट. यानी कि क्या हम कम्युनिटी स्टडी को तीनों ही के अंदर ही इंक्लूड कर सकते हैं? यानी कि हम यहाँ पर तीनों ही बैकग्राउंड में स्टडी करने वाले हैं, प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, यानी कि बॉटनी जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, तीनों को मिलाकर कम्युनिटी स्टडी बोला जा सकता है. तीनों को, जब हम तीनों ही क्राइटेरिया ले रहे हैं, इसके अलावा और कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है? आइदर प्लांट्स प्रेजेंट है और एनिमल्स प्रेजेंट है और माइक्रोब्स प्रेजेंट है, राइट? चलो ओके संध्या, इट्स माय प्लेजर. ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ कि तीनों ही कैटेगरीज को हमने स्टडी पर्पस से ले लिया है. नाउ कम्युनिटी के कुछ फीचर्स होते हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनना है आपको. कम्युनिटी के कुछ फीचर्स हैं जिनको ध्यान से सुनना है. सबसे पहला फीचर्स है स्पीशीज डाइवर्सिटी. यानी कि कम्युनिटी जो होती है, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज, यानी कि एक अलग अलग स्पीशीज की डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी. एक पॉपुलेशन में स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलती है. आपको एक टेबल दे दी जाएगी, टेबल के अंदर आपको एक तरफ पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक, एक तरफ कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक दे दिए जाएंगे और आपको बोल दिया जाएगा कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक किसके साथ में मैच होते हैं, उसको मैच कर लो, ऐसा करके कुछ. सो बेसिकली अगर हम कंपेयर करें पॉपुलेशन को, तो पॉपुलेशन के अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती, बिकॉज वहां पर एक सिंगल पॉपुलेशन प्रेजेंट है. लेकिन अगर हम एक कम्युनिटी की बात करें, तो कम्युनिटी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पर आपको एक स्पेसिफिक टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. ठीक है, नाउ ये कंप्लीट डाइवर्सिटी किसके ऊपर देखने को मिल सकती है? ये डाइवर्सिटी किसके बेस पर देखने को मिल सकती है? तो डिपेंड करता है कि डाइवर्सिटी जहां पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो एरिया कैसा है. क्या वो डेजर्ट है? नाउ डेजर्ट एरिया में आप बोलोगे कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा स्पीशीज देखने को नहीं मिलेगी. वहां पर कुछ पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज देखने को मिलेगी जो कि डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सकती है. प्लांट्स जो होंगे वो सक्यूलेंट टाइप के प्लांट्स होंगे, एनिमल्स के पास में अलग अडेप्टेशन होंगे. लेकिन अगर हम डेजर्ट एरिया को कंपेयर करें रेन फॉरेस्ट के साथ में, तो रेन फॉरेस्ट का कोई एक एरिया जहां पर मल्टीपल स्पीशीज प्रेजेंट हो, उनको हम बोल देंगे कम्युनिटी. नाउ अब ऐसा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि कम्युनिटी के अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये और ज्यादा करेक्ट बात है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है. हर एरिया में जितनी डाइवर्सिटी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उतनी ही डाइवर्सिटी दूसरे एरिया में प्रेजेंट हो. यहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी वेरी करेगी कि कौन सा एरिया है, एरिया की साइज कितनी है, टाइप ऑफ एरिया कैसा है. एक छोटा एरिया है तो वहां पर आप बोलोगे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है, एक बड़ा एरिया है तो आप बोलोगे कि वहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है. टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल का टाइप कैसा है. जैसे आपको पता है ब्लैक सॉइल जो होती है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, जिसे या ब्लैक सॉइल या क्ले सॉइल जिसको आप बोलते हो. अगर आप उसको दूसरी टाइप की सैंड सॉइल से कंपेयर करो, तो सैंड सॉइल में तो प्लांट्स बहुत ही कम टाइप के डेजर्ट प्लांट ही ग्रो कर पाएंगे, लेकिन क्ले सॉइल तो इतनी ज्यादा फर्टाइल है कि बहुत मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के लिए, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लिए हम क्ले सॉइल को यूज करते हैं. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये डिपेंड करता है कि उस एरिया में किस तरह की सॉइल प्रेजेंट है. एल्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड, ये क्या होता है, ये टोपोग्राफी के अंदर आते हैं, इसको मैं समझाऊंगी. देन क्लाइमेटिक फैक्टर्स, कि उस एरिया में किस तरीके का क्लाइमेट रहता है, क्या वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, या फिर वहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है, या टेम्परेचर ज्यादा रहता है. तो क्लाइमेटिक फैक्टर भी अगेन एक एरिया की स्पीशीज डाइवर्सिटी को इफेक्ट करेंगे. देन आपके पास में आ जाता है कि सेकंड कैरेक्टर, दैट इज डोमिनेंस. फर्स्ट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, सेकंड इज डोमिनेंस. नाउ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है समझो. पर्टिकुलर कोई एक एरिया है, ये आ गया हमारे पास में एक एरिया. नाउ इस एरिया में क्या होगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट होगी. हमने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट है और साथ साथ में कई सारे एनिमल्स भी प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पर कई सारे एनिमल्स भी प्रेजेंट है.
हो सकता है कुछ ये वाले जो रेड कलर वाले हों ये कुछ एनिमल है, देन हमने कुछ और दूसरे एनिमल्स को ड्रॉ कर लिया, ये कुछ नए एनिमल आ गए, और साथ ही साथ में कुछ अदर एनिमल्स भी हो सकता है यहाँ पर प्रेजेंट हो। सो इट इज़ अ कम्युनिटी जहाँ पर एक से ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है, लेकिन एक कम्युनिटी के अंदर सभी कम्युनिटी मेंबर्स का, सभी स्पीशीज का नंबर इक्वल नहीं होता है। स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलती है, बहुत सारी स्पीशीज होती है, लेकिन अलग अलग स्पीशीज का नंबर इक्वल नहीं होगा। सपोज कोई जो ग्रीन वाली स्पीशीज थी, इनके मेंबर्स, इनके जो टोटल मेंबर्स थे वो 50 है। जो रेड वाली स्पीशीज है इनके टोटल मेंबर्स कितने हैं, मान लो इनके टोटल मेंबर्स 10 है। जो ब्लू वाली स्पीशीज है इनके टोटल मेंबर्स मान लो 15 है। जो पर्पल वाली स्पीशीज है इनके टोटल मेंबर्स मान लो 20 है। तो एक स्पीशीज के डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है, लेकिन इनमें से पर्टिकुलर कुछ स्पीशीज का नंबर बहुत ज्यादा हाई होगा। जैसे कि ये वाली ग्रीन वाली स्पीशीज है, इसका नंबर आप बोलोगे हाई है। इसके अलावा हो सकता है कोई दूसरी स्पीशीज भी हो, उनका नंबर अगेन बहुत ज्यादा हाई रहे। सो बेसिकली क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो स्पीशीज उस एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा, सबसे वेल अडेप्टेड होगी, वो स्पीशीज वहां पर सबसे ज्यादा ग्रो करेगी और उसी का नंबर सबसे ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसी स्पीशीज जो कि एक कम्युनिटी में सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, हम बोलते हैं कि उस स्पीशीज के अंदर, उस स्पीशीज का, उस कम्युनिटी के अंदर उस स्पीशीज का डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। सो पर्टिकुलर इस एरिया में जो मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग स्पीशीज या किस स्पीशीज का डोमिनेंस है, तो हम बोलेंगे ग्रीन वाली स्पीशीज का। तो जनरली जिस किसी एरिया में जिस स्पीशीज का डोमिनेंस ज्यादा देखने को मिलता है, हम उस एरिया को वो नाम दे देते हैं। जैसे कि मैं बोल दूंगी कि अरे ये वो वाला एरिया है ना जिसके अंदर ये ग्रीन वाली स्पीशीज ज्यादा है, हम उस डोमिनेंट स्पीशीज के नाम से उस एरिया को जानने लगते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हिमालयस पे पाइनस प्लांट बहुत ज्यादा होते हैं, सिड्रस देवदार ज्यादा होंगे। तो जैसे ही सिड्रस देवदार पाइनस इनका जिक्र होता है, हम लोग चले जाते हैं हिमालयस पे, राइट। इसके अलावा जैसे कोई डेजर्ट प्लांट हो गया, कैक्टस वगैरह आ गया, तो कैक्टस से हमारे माइंड में क्या आ जाता है, अच्छा कैक्टस मतलब राजस्थान की बात हो रही होगी, राइट। ऑरेंज, नागपुर ऑरेंज, नागपुर पहुंच जाते हैं। सो बेसिकली डोमिनेंस का मतलब होता है एक एरिया जहां पर पर्टिकुलर किसी एक स्पीशीज का नंबर बहुत ज्यादा हाई, और देन हम उस एरिया को उस पर्टिकुलर स्पीशीज के नाम से ही जानते हैं जो कि उस एरिया की डोमिनेटिंग स्पीशीज होती है। सो पढ़ लेते हैं एक बार क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। कहा जा रहा है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द हाइएस्ट नंबर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी इट इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट स्पीशीज। जिनका नंबर सबसे ज्यादा होगा ये होगी आपकी डोमिनेंट स्पीशीज। नाउ उस डोमिनेंट स्पीशीज की वजह से होल कम्युनिटी इट इज नोन बाय द नेम ऑफ द पर्टिकुलर डोमिनेंट स्पीशीज लाइक पाइनस इन हिमालयस। ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है। अच्छा रितिका यू आर फ्रॉम नागपुर, वेरी गुड। अच्छा और बताओ किसी पर्टिकुलर एरिया की कोई भी एक डोमिनेंट स्पीशीज का नाम बता दो, वेस्ट बंगाल की बताओ। आप जिस भी एरिया में हो उस एरिया में कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जिसका डोमिनेंस मिलता होगा, नहीं पता। आफ्टर मैम, आफ्टर ओवर क्लास नेवर द लेस वीडियो डिस्प्ले लाइव। ओके, आप बोल रहे हो क्लास के बाद भी लाइव डिस्प्ले होता है। यस, उसको स्ट्रीम स्टॉप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए आपको लाइव डिस्प्ले होता होगा। साउथ इंडिया में राइस मिल जाएंगे, यस वेरी गुड रितिका। और किसी भी एरिया में कोई भी स्पीशीज, कोई एनिमल ही बता दो कि पर्टिकुलर एनिमल इस एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है। अगर कैमल की बात करें तो कैमल, कैमल्स कहाँ डोमिनेंट देखने को मिलेंगे, कैमल कैमल कहाँ की डोमिनेंट स्पीशीज हो जाएगी, अगेन थार डेजर्ट की, डेजर्ट एरिया। देन एलिफेंट, क्या तमिलनाडु को एलिफेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। एप्पल्स इन कश्मीर, वेरी गुड। ड्राई फ्रूट्स भी कश्मीर से बोल सकते हैं ना। तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट उस पर्टिकुलर एरिया की डोमिनेटिंग स्पीशीज के अकॉर्डिंग हम उसकी कम्युनिटी को जान सकते हैं कि पर्टिकुलर वहां पर किस तरह की कम्युनिटी देखने को मिल सकती है। चलो वेरी गुड, नाउ आगे बढ़ते हैं।
कम्युनिटी का थर्ड फीचर्स है स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। नाउ व्हाट डज स्ट्रैटिफिकेशन मींस, इसको समझना। आपके पास एक कोई एरिया है, सपोज ये हमारे पास में एक आ गया एरिया, ठीक है, ओके, हमारे पास में कोई एक एरिया आ गया ये। नाउ इस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या स्पीशीज प्रेजेंट होंगी, क्योंकि हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जिसको हम कम्युनिटी बोल रहे हैं वहां पर मोर देन वन स्पीशीज टाइप स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। तो हमने कहा कि ये जो पर्टिकुलर एरिया था, इस पर्टिकुलर एरिया में छोटी छोटी सी ग्रासेस ग्रो कर रही है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी ग्रासेस, ग्रासेस आर मोनोकॉट्स, राइट। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्रासेस ग्रो कर रही है, ठीक है। देन हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और छोटे छोटे से प्लांट, कुछ और छोटे छोटे से ब्रायोफाइट्स इस एरिया में ग्रो कर रहे हों, या फिर अगर वाटर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो हो सकता है कि इस एरिया में थोड़ी बहुत एल्गी वगैरह भी ग्रो कर सकते हैं। ब्रायोफाइट्स, वाटर ज्यादा है तो ब्रायोफाइट्स ग्रो कर रहे हैं, देन ग्रासेस ग्रो कर रही हैं, और क्या आ जाएगा। तो हमने कहा कि और अब इन ग्रासेस से थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे तो हमारे पास में कुछ ऐसे प्लांट आ जाएंगे जो कि शर्ब की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि झाड़ियां जिन्हें बोलते हैं हम, ठीक है। चने के झाड़ पर चढ़ाना सुना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास में शर्ब प्लांट्स आ गए, ये कुछ शर्ब प्लांट्स हो गए। अब इन शर्ब प्लांट से छोटे कुछ प्लांट्स होते हैं, इन शर्ब प्लांट्स से भी हो सकता है इनसे छोटे छोटे कुछ दूसरे शर्बी प्लांट्स हो, ऐसे ग्रो कर रहे हो। ग्रासेस से बड़े लेकिन शर्ब प्लांट से छोटे, ऐसे कुछ प्लांट्स, इनको बोला जाएगा अंडर शर्ब्स। शर्ब से जो छोटे हैं इनको अंडर शर्ब्स बोला जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में शर्ब्स के अलावा कुछ और, शर्ब से ऊपर, शर्ब से बड़े कुछ और प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं जिन्हें हम ट्रीज के नाम से जानते हैं। सो हमारे पास में कुछ ऐसे ट्रीज भी आ गए। तो वी हैव सम ट्रीज। चलो रोहित, वेरी गुड मॉर्निंग। इतने गुड मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है, एक गुड मॉर्निंग लिख दो वही काफी है। चलो अगर आपका इसी तरीके से रिस्पांस रहता है, अगर आप इसी तरीके से रिस्पांस करते हो तो फिर यू विल बी ब्लॉक्ड। सो मेक श्योर कि आप क्लास को डिस्टर्ब ना करें। तो बेसिकली हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में क्या आ गया कि कुछ इस तरीके से एक एरिया आ गया। नाउ अब स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है समझो। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है लेवल्स। बेसिकली एक एरिया में एक कम्युनिटी के अंदर किस लेवल पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। सबसे फर्स्ट लेवल देखो जो कि आपकी बिल्कुल ग्राउंड को टच कर रहा है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ग्राउंड को टच कर रहा है। सेकेंड लेवल देखो, आपके पास में आ गए कुछ छोटी छोटी सी ग्रासेस, ठीक है। थर्ड लेवल देखो, आपके पास में आ गई कुछ अंडर शर्ब्स। अंडर शर्ब्स के बाद में आपके पास आ गई कुछ ये शर्ब्स, एंड देन आपके पास में आ गए ट्रीज। सो बेसिकली ये जो अलग अलग लेवल बन गए, अलग अलग स्ट्रेटा जिसको हम बोल सकते हैं, इसी को बोला जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। यानी कि जब भी कम्युनिटी की बात होगी तो कम्युनिटी के अंदर आपको स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ा लेवल कौन सा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ट्रीज आ गई। ट्रीज से छोटे कौन हो गए, शर्ब्स हो गई। शर्ब से छोटे कौन हो गए, शर्ब से छोटे हो गए अंडर शर्ब्स। अंडर शर्ब्स से छोटे कौन हो गए, हर्ब्स हो गए। अंडर शर्ब से यानी कि ये वाले जो छोटी ग्रासेस थी इनको आप हर्ब्स बोल सकते हो। और हर्ब्स से भी छोटे जो कि बिल्कुल ग्राउंड को टच कर रहे हैं, ये हो जाएंगे आपके अंडर हर्ब्स। तो एक एरिया जहां पर कम्युनिटी प्रेजेंट होती है वहां पर स्ट्रैटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यस, वेरी गुड। लेकिन माउंटेन्स पर स्ट्रैटिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिलता है जनरली, क्योंकि वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग अडेप्टेड आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखो, माउंटेन्स पर भी कंप्लीटली आप ऐसा बोलोगे कि स्ट्रैटिफिकेशन बिल्कुल ही एबसेंट होगा, ये बात गलत है। हम बोल सकते हैं कि जहां पर माउंटेन्स एरिया होगा, जहां पर माउंटेन होंगे, वहां पर आपको टॉल ट्रीज यानी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट मिलेंगे, लेकिन फिर भी देखना वहां पर फिर भी छोटी छोटी ग्रासेस आपको देखने को मिलती है। तो कंप्लीट स्ट्रैटिफिकेशन तो एबसेंट होगा, लेकिन फिर भी कुछ स्ट्रेटास जो होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलो
सो इस तरीके से स्ट्रेटिफिकेशन, व्हाट डज स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स, स्ट्रेटिफिकेशन इट मीन्स द डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स ऑफ अ एरिया. एक एरिया में कितने डिफरेंट टाइप की ग्रोथ फॉर्म्स आपको देखने को मिल रही है. जैसे कि एक एरिया में ट्रीज प्रेजेंट है, जो कि हमने कहा स्ट्रेटिफिकेशन का सबसे ऊपर, सबसे टॉलेस्ट आप बोल सकते हो कि लेवल हो गया. देन ट्रीज से हो गए छोटे शर्ब्स, शर्ब्स से छोटे हो गए अंडर शर्ब्स, अंडर शर्ब्स से हो गए छोटे हर्ब्स, एंड देन अंडर हर्ब्स भी आप बोल सकते हो. सो इट इज डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी. ठीक है, एक कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कैसा है. जैसे कि अभी 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 अनुपम ने बोला कि माउंटेन्स पर स्ट्रेटिफिकेशन कम मिल रहा है, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ रेन फॉरेस्ट में स्ट्रेटिफिकेशन ज्यादा मिल रहा है, तो इसके मतलब, इससे आप क्या मतलब निकाल सकते हो. अगर मैंने ये बोला कि माउंटेन्स पर स्ट्रेटिफिकेशन कम देखने को मिल रहा है, वहां पर कंप्लीट या ट्रू स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही अच्छा, बहुत ही शार्प स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, सो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग मीनाक्षी, चलो वेरी गुड तिलेश्वर, बताओ इससे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं. यस, लेक्स एंड पॉन्ड्स में भी स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा, उसको भी आगे देखेंगे. ठीक है, सो बेसिकली इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. हम बोल रहे हैं कि माउंटेन्स पर कम स्ट्रेटिफिकेशन देखने देखने को मिल रहा है, तो हम पता लगा सकते हैं कि उस माउंटेन की जो कम्युनिटी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. हम बता सकते हैं कि वहां पर स्ट्रेटिफिकेशन कम है, इट मीन्स कि वहां पर या तो बहुत ज्यादा टॉल प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, या फिर छोटी छोटी ग्रासेस वहां पर ग्रो कर रही होंगी. हमने एक कंक्लूजन ये निकाला. देन हमारे को रेन फॉरेस्ट के लिए कहा गया कि रेन फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रहा है. सो हमने कहा कि अच्छा, बहुत ज्यादा स्ट्रेटिफिकेशन है, इट मीन्स वहां पर ट्री होगी, शर्ब्स होगी, अंडर शर्ब्स होगी, हर्ब्स होगी, अंडर हर्ब्स होगी, इट मीन्स कि वहां पर प्लांट्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. और प्लांट्स ज्यादा है, तो वी कैन कंपेयर कि ओके, डिग्री ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन के बेस पर हम बोल सकते हैं कि माउंटेन एरिया में उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको कहाँ देखने को मिल रही है, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको एक ऐसे एरिया में जो कि रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट है. सो स्ट्रेटिफिकेशन के बेस पर हम ये भी बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, कौन सा एरिया डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग एक डाइवर्सिटी रिच एरिया है, और कौन सा एरिया जहां पर डाइवर्सिटी कम है. तो यहाँ पर डाइवर्सिटी की वजह से या फिर स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से हम डाइवर्सिटी का अंदाजा लगा सकते हैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? बताओ, आपको कंपेयर करते हुए कुछ स्टेटमेंट में पूछ लिया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया. नाउ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट ऐसा दिया गया कि पर्टिकुलर किसी एक एरिया में स्ट्रेटिफिकेशन कम देखने को मिल रहा है, और दूसरे एरिया में स्ट्रेटिफिकेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है. एरिया ए है जहां पर कम स्ट्रेटिफिकेशन है, एरिया बी है जहां पर ज्यादा स्ट्रेटिफिकेशन है. सो वी कैन कंक्लूड दैट एरिया ए इज लेस डाइवर्सिटी रिच एरिया एज कंपेयर टू द एरिया बी. सो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए? बताओ, आपको बोला गया एरिया ए जो कि, यस, मैं डाइवर्सिटी अभी तो नहीं पढ़ाने वाली हूं, जब भी डाइवर्सिटी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी. तो एरिया ए में क्या है, एरिया ए क्योंकि वहां पर स्ट्रेटिफिकेशन कम है, तो हमने बोला स्ट्रेटिफिकेशन कम है, इट मींस के वहां पर लेवल्स कम होंगे, ऑर्गेनिजम्स कम होंगे. एंड एरिया बी के लिए बोल दिया स्ट्रेटिफिकेशन ज्यादा है. नो क्यों बोला? नो क्यों? एरिया ए जहां पर, चलो वापस सुनो क्वेश्चन, आपको बोला कोई दो एरियाज हैं आपके पास में, कोई दो एरियाज है, एरिया ए है, एरिया बी है. एरिया ए के लिए बोल दिया यहां पर लेस स्ट्रेटिफिकेशन है, और एरिया बी के लिए बोल दिया मोर स्ट्रेटिफिकेशन.
नाउ आपको बोला गया एरिया ए वेयर स्ट्रेटिफिकेशन इज लेस देन एरिया बी. नाउ वी कैन कंक्लूड दैट इन एन एरिया ए देर आर लेस स्पीशीज डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन एज कंपेयर टू एरिया बी. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा? टेलीग्राम आईडी मैंने आपको बहुत टाइम से शेयर कर रखी है. कृष्णा आप अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं हुए? बहुत टाइम से डेली में टेलीग्राम चैनल का नाम, डेली में टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर दे देती हूँ. चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हो तो आप सर्च करिए लाइफ साइंस बाय स्नेहा मैम. ठीक है चलो, यस करेक्ट होगा. बिकॉज जिस एरिया में स्ट्रेटिफिकेशन कम है वहां पर डाइवर्सिटी कम होगी, जिस एरिया में स्ट्रेटिफिकेशन ज्यादा है वहां डाइवर्सिटी रिच होगी. नाउ मैंने आपको एरिया ए और एरिया बी करके बोला है. आपको क्या एग्जामिनेशन में दिया जा सकता है? आपको बोल दिया जाता है कि कोई रीजन जो कि ट्रॉपिकल जोन में प्रेजेंट है वहां पर आपको ज्यादा स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू कोई ऐसा रीजन जो कि पर्टिकुलर किसी और जोन में या पोलर रीजन पर प्रेजेंट है. या फिर आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन को कंपेयर करते हुए बोल दिया कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि टेम्परेट एरिया में प्रेजेंट है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि ट्रॉपिकल एरिया में प्रेजेंट है. यहाँ पर इतना स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, दूसरे एरिया में इतना स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रहा है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया विल बी डाइवर्सिटी रिच एरिया? तो स्ट्रेटिफिकेशन के बेस पर हम बता सकते हैं कि वहां पर क्या देखने को मिल जाएगा, वहां पर डाइवर्सिटी का हम अंदाजा लगा सकते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये कंसेप्ट स्ट्रेटिफिकेशन वाला कंसेप्ट क्लियर है? अब तीनों ही पॉइंट्स याद होने चाहिए. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कम्युनिटी? कम्युनिटी यहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, कई सारी स्पीशीज होगी, लेकिन स्पीशीज डाइवर्सिटी ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर एरिया की साइज क्या है. देन स्पीशीज डाइवर्सिटी किस पर डिपेंड करती है? कि वो टाइप, उस एरिया का टाइप क्या है, किस टाइप का एरिया है, क्या वो टेम्परेट जोन में है, क्या वो ट्रॉपिकल जोन में है, क्या वो पोल्स की साइड में प्रेजेंट है, क्या वो बेसिकली कोई डेजर्ट एरिया है, वहां पर सॉइल किस तरह की है, वहां का एल्टीट्यूड किस तरीके का है, वहां पर क्लाइमेटिक फैक्टर किस तरीके के हैं, या फिर सिंपली यू कैन से कि वहां के एबायोटिक फैक्टर्स कैसे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उन्हीं की वजह से कोई स्पीशीज की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. नाउ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर एरिया है जहां पर बहुत सारी स्पीशीज हैं लेकिन एक स्पीशीज वहां की डोमिनेंट स्पीशीज होगी, एक या मोर देन वन स्पीशीज. ऐसा जरूरी नहीं है कि अब एक एरिया में सिर्फ एक ही स्पीशीज ज्यादा देखने को मिले, उस पर्टिकुलर एरिया में एक से ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलेगी. उस पर्टिकुलर एरिया में एक से ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलेगी, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली बोल सकते हो कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज जो कि एक एरिया में ज्यादातर देखने को मिल रही है वो वहां की डोमिनेटिंग स्पीशीज होगी. लाइक पाइनस, पाइनस इन हिमालयस, हिमालयस में पाइनस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. सो पर्टिकुलर जो भी डोमिनेटिंग स्पीशीज होती है उसी के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एरिया का नाम रख दिया जाता है. देन स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन मैंने आपको अभी बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है, तो होपफुली सभी को स्ट्रेटिफिकेशन तक, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होगी. अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए. देन अभी 11:30 पर क्लास ओवर करते हैं. देन नेक्स्ट इसी के आगे का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम बायोटिक फैक्टर, यानी कि ये वाला जो फैक्टर्स चल रहे हैं अभी, ये बायोटिक फैक्टर्स हैं आपके सारे. बायोटिक फैक्टर में आप क्या इंक्लूड कर लोगे? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद देन आगे हम चलेंगे इकोसिस्टम पर. सो व्हाट इज द इकोसिस्टम मींस, वो इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, देन हम एबायोटिक फैक्टर जैसे कि सॉइल को, टेम्परेचर को, देन लाइट को, इन सभी को पढ़ने वाले हैं इन द अपकमिंग सेशन. अपकमिंग सेशन कल नहीं होगा, अभी होगा, यूट्यूब पर होगा. और अपकमिंग सेशन की जो अभी आपका नेक्स्ट सेशन आने वाला है, इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे मिलेगा तब मैं आपको सेंड कर दूंगी. तो प्लीज वेट गाइज, इसके बाद का सेशन जो है, मैं आपका इसके बाद का जो सेशन है मैं आपको उसका लिंक टेलीग्राम पर दे दूंगी. यस, कल की वाईटी क्लास जो आई थी, कल की वाईटी क्लास जो, देखो मैं आपको बोल रही हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि उसका लिंक जो है थोड़ा सा लेट जनरेट होता है. तो अगर ऐसा टाइम होता है कि जब लिंक थोड़ा सा आपको अगर पहले जनरेट हो जाएंगे तो सारी वीडियोज ऑलरेडी मेरे नाम की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर विजिबल हो जाएंगे.
लेकिन कभी कभार अगर किसी रीजन से, टेक्निकल ग्लिच की वजह से अगर कोई लिंक लेट जनरेट हो रहा है, तो मैं इमीडिएटली क्लास के 15 मिनट्स पहले आपको वो लिंक दे देती हूँ कि चलो क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाए, ठीक है। देन 10:30 वाली क्लास तो आपकी अप्रोक्सीमेटली हमेशा 10:30 पर होती है, कभी कभार अगर कुछ लेट हो जाए तो वो एडजस्ट हम कर ही सकते हैं उतना लेट। बाकी अगर कोई क्लासेस के नोटिफिकेशन है, चाहे वो प्लस क्लास का हो, चाहे वो आपकी स्पेशल क्लास का हो, चाहे वो आपकी यूट्यूब क्लास का हो, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मैं आपको हमेशा टेलीग्राम ग्रुप में देती हूँ। और यहाँ पर जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वो डेली यहाँ पर जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाती है, डेली आपको ग्रुप में नोटिफाई भी करते हैं कि क्लास स्टार्ट हो गई है, यू कैन ज्वाइन। सो मेक श्योर जो लोग अभी तक टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन हुए हैं, मेक श्योर कि आपकी क्लास मिस ना हो। इसीलिए आप जो बेसिकली आगे का जो सेशन है उसको कंटिन्यू करने के लिए, या फिर जो भी क्लासेस के नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाए। सो एक बार यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल का नेम भी लिखा है, और आप टेलीग्राम चैनल को, मैं आपको लिंक भी शेयर कर देती हूँ, इस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको लिंक सेंड कर रही हूँ, कमेंट सेक्शन में देखो मैंने आपको एक लिंक सेंड किया है। लेक्चर की टाइमिंग्स जो है डेली आप, चलो लेक्चर की टाइमिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली जो लेक्चर्स होते हैं आपके, चलो आपके लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पर, आपके लेक्चर होते हैं स्पेशल पर, आपके लेक्चर हैं प्लस पर, ठीक है। प्लस पर नेक्स्ट मंथ से, मार्च से मैं नया कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। सेल बायोलॉजी हम वहां पर पढ़ ही रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सेल बायोलॉजी को साथ में ज्वाइन करना चाहते हो, सेल बायोलॉजी जैसे ही खत्म हो जाएगी, देन प्लस पर मैं स्टार्ट कर दूंगी आपकी 12th यूनिट टेक्निक्स वाली। देन स्पेशल पर और यूट्यूब पर, स्पेशल और यूट्यूब पर मैं ट्राई करूंगी कि जितनी ज्यादा यूनिट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सके वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाए। लेकिन अभी जैसे फिलहाल हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो स्पेशल और यूट्यूब पर दोनों पर इकोलॉजी की क्लासेस होंगी। यूट्यूब पर अगर हम क्लासेस ले रहे हैं तो स्पेशल पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, या फिर यूट्यूब की जो क्लासेस होगी उसकी नेक्स्ट क्लास को, क्योंकि 1.5 आवर अगर हम पढ़ते हैं यूट्यूब पर या 1 घंटा पढ़ते हैं, तो 1 घंटे पढ़ने से हमारी क्लासेस जो है, हमारे यूट्यूब की क्लासेस से इकोलॉजी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो अगेन आपको उसके लिए स्पेशल ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप यूट्यूब के साथ स्पेशल बिर भी आए अगर आप इकोलॉजी कंप्लीट करना चाहते हैं, नहीं तो आपकी इकोलॉजी आधी अधूरी टॉपिक्स आपके कंप्लीट होंगे अगर आप सिर्फ यूट्यूब पर ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली यूट्यूब की जो क्लासेस होती हैं ये 10:30 AM होती है, ठीक है ना। यूट्यूब पर फ्राइडे को जैसे आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को यूट्यूब पर 2 क्लासेस रहती हैं आपकी, बैक टू बैक 2 क्लासेस रहेंगी। 10:30 to 11:30 एक क्लास रहेगी, देन 11:40 to 12:40 और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे अगर 1 तक, तो आपकी वो दूसरी क्लास हो जाएगी। देन आपकी जो स्पेशल की यूजुअली रेगुलर क्लासेस जो होती हैं, स्पेशल की रेगुलर क्लासेस आपकी होती हैं 11:45 से। लेकिन स्पेशल के क्लासेस का भी लिंक मैं आपको ग्रुप में दे देती हूँ, ठीक है। तो आज तो वैसे कोई स्पेशल क्लास नहीं है, बिकॉज यूट्यूब पर ही मैंने 2 क्लासेस रखी हैं। देन आपकी प्लस की जो क्लासेस होती हैं, प्लस की क्लासेस होती हैं मॉर्निंग में 8:45 AM सेल बायोलॉजी के लिए। जो जो भी सब्सक्राइब्ड हों तो वो सेल बायोलॉजी की क्लासेस को कर सकते हैं। और अगेन क्लास के नोटिफिकेशन डेली मैं आपको दे देती हूँ ग्रुप में, तो आप लोग क्लास के नोटिफिकेशन जरूर देख लिया करिए। एक बार सुबह के टाइम में देख लो, रात में मैं सारे नोटिफिकेशन डाल देती हूँ, या मॉर्निंग में आप सारे नोटिफिकेशन देख सकते हो, तो कोई एक टाइम पर आप देख सकते हो। अनुपम, इकोलॉजी और इवोल्यूशन की जो भी बुक्स मैंने प्रेफर की है वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो आपको वो बुक मिल जाएगी, ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स को मैंने अलग अलग बेसिकली बुक से रेफर किया है, तो जो जो भी बुक मैंने रेफर की है मैंने डाल दिए, और इकोलॉजी के जो भी टॉपिक्स जहां से भी रेफर करूंगी उसकी भी बुक मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। चलो सो इस तरीके से इको की क्लासेस जो है आपकी स्पेशल और यूट्यूब पर होने वाली है। क्लासेस कोई भी मिस नहीं करनी है। आदित्य क्या आपको कहाँ पर ढूंढना है, कहाँ पे क्या होती है, कहाँ पे होती है, ये क्या तरीका होता है भाई पूछने का। चलो क्या नहीं मिल रही है, क्लास नहीं मिल रही है, एक बार यूट्यूब के डेली यूट्यूब पर जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट
प्लेलिस्ट में मेरे नाम की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको मेरे सारे लेक्चर मिल जाएंगे। एंड आप क्या करिए, आप जाइए ऐप पर मुझे सर्च करो और वहां पर फॉलो कर लो, तो जो भी नोटिफिकेशन होंगे आपको ऐप के नोटिफिकेशन वहां पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में मेरे को एक बार सर्च करना, वहां पर मेरी जितनी भी स्पेशल फ्री क्लासेस होंगी, आप जैसे ही सी ऑल करोगे मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलो। अभी तो क्लास को एंड करते हैं, देन नेक्स्ट वाला जो सेशन है, इसके बाद का जो सेशन है, मैं जितने भी लोग मेरे साथ में हैं अभी, सब लोग ज्वाइन हो जाओ। आपकी जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं तुरंत ही, जिस तरीके से जैसे ही मुझे वो लिंक मिलेगा, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है गाइस, चलो। तो थोड़ा अच्छा लगा आज इको पढ़ के, इतने दिन से इवोल्यूशन इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, आज इको पढ़ के कैसा लगा, थोड़ा चेंजेस कुछ ऐसा? चलो, तो जरूर 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 YouTube और स्पेशल दोनों पे ही ज्वाइन होना है, दोनों की क्लासेस लिंक रहेगी। अभी YouTube पर पढ़ा, उसके ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई एक क्लास YouTube पर कर ली, देन मैं उसकी नेक्स्ट क्लास आपको स्पेशल पर कंटिन्यू कर लूँ, तो जरूर दोनों ही सेशन पर आपको रहना है। चलो, वेरी गुड, ओके गुड। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मैं आपको लिंक फटाफट डाल दूंगी। और मैं काम ये भी करूंगी कि इसी वाले लेक्चर के कमेंट सेक्शन में या फिर इसी वाले लेक्चर की चैट सेक्शन में मैं अगेन वो दूसरी क्लास का लिंक भी डाल दूंगी, ताकि कोई अगर टेलीग्राम पर नहीं है, जिसके पास में टेलीग्राम अकाउंट नहीं है, वो इस सेशन के यहाँ पर आके लिंक से क्लास ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चलो, ओके एवरीवन, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लो, देन अगली क्लास के लिए तैयार हो जाओ। बाकी के सारे फैक्टर्स जो हैं, बाकी के सारे इकोलॉजिकल कम्युनिटीज के बाद में जितने भी आपकी कैटेगरीज हैं उनको पढ़ेंगे। ओके बाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। चलो बढ़िया 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 आदित्य, बहुत बढ़िया। चलो, मेक श्योर कि आप पढ़ने आए, आप किसी टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट ना करने आए, नहीं तो आप चैनल से ब्लॉक हो जाओगे। ओके, चलो बाय एवरीवन।